गाइस वेलकम टू जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर टॉप मोस्ट एमसीक्यूज फॉर योर अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स। सो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैंने ये डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज इसलिए स्टार्ट करी है सो दैट कि आपको लास्ट में करंट अफेयर का बर्डन ना रहे। सीपीटी एग्जाम होने वाले हैं तो सीपीटी एग्जाम में आपके करंट अफेयर की वेटेज बहुत ज़्यादा होगी, ये आप सभी जानते हैं, और लास्ट में आपको दिक्कत ना आए करंट अफेयर में। दैट्स व्हाई आई एम कंडक्टिंग दिस डेली बेसिस करंट अफेयर एमसीक्यूज। और मुझे बहुत आई एम वेरी हैप्पी दैट यू पीपल आर सपोर्टिंग एंड लाइकिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच। जितने भी आप रेगुलर कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, प्लीज कीप इट कंटिन्यू, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। तो इसी तरह से मैं एफर्ट जो है वो डालता रहूंगा आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेट, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट, कौन सी स्टेट पहली स्टेट बन गई है जिन्होंने प्रिपेयर करना स्टार्ट करा है क्या डीएनए डाटाबेस, मतलब डीएनए डाटाबेस को प्रिपेयर करने वाली पहली स्टेट कौन सी बनी है। अब ये डाटाबेस जो उन्होंने प्रिपेयर करना स्टार्ट करा है क्यों करा है, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज, मतलब अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सी ऐसी स्टेट है, पहली स्टेट है जिसने डीएनए डाटाबेस को प्रिपेयर करना स्टार्ट करा। तो इसका जो आंसर है दैट इज हिमाचल प्रदेश। क्या आंसर है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश पहली इंडियन स्टेट है जिसने डीएनए डाटाबेस प्रिपेयर करना शुरू करा, क्यों मैंने आप सभी को बता दिया, ठीक है। और इसके ऊपर अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इसके ऊपर कहा था कि ये जो प्रोसेस है वो लास्ट अप्रैल लास्ट ईयर से शुरू हुआ है, तो अभी तक के कम से कम 150 डीएनए सैंपल जो है वो उन्होंने निकाले अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के जो एंटर करे हैं इस डाटाबेस के अंदर। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से यूनियन मिनिस्टर ने स्टार्ट करी है कैंपेन जिसका नाम है प्रॉस्पेरिटी थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरे लेक्चर्स करंट अफेयर के जो मैं करवा रहा हूं आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, जो भी आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो, मैं पक्का देखूंगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन सेकंड में क्या लिखा है कि यूनियन मिनिस्टर, कौन से यूनियन मिनिस्टर जिन्होंने कैंपेन स्टार्ट करी, कैंपेन का क्या नाम है, प्रॉस्पेरिटी थ्रू ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ गिरिराज सिंह, ठीक है। गिरिराज सिंह ये बेसिकली रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, गिरिराज सिंह, इन्होंने लॉन्च करी है ये कैंपेन जिसका नाम है प्रॉस्पेरिटी थ्रू ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें बेसिकली क्या है, इस कैंपेन के थ्रू क्या है कि जो मार्जिनल रूरल हाउस होल्ड है, मतलब गांव में जो मार्जिनल रूरल्स लोग रहते हैं उनको एम्पावर करने के लिए, और सभी मतलब अब कैसे कैसे एम्पावर किया जाएगा कि जितने भी ऑल एलिजिबल रूरल वुमेन्स अंडर सेल्फ हेल्प ग्रुप, उन सभी लोगों, उन सभी महिलाओं को एम्पावर करने के लिए ये प्रॉस्पेरिटी थ्रू ऑर्गेनाइजेशन जो कैंपेन है वो लॉन्च करी है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जिनका नाम है गिरिराज सिंह। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु हैज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए हैं। इनका आंसर है जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान। क्या आंसर है, जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान। अच्छा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने अपॉइंट करा है इनको, और ये सीनियर मोस्ट जज है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के। अब ये एक्ट करेंगे एज अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। और अब ये कब बॉर्न हुए इसकी जरूरत नहीं है, इन्होंने बॉर्न कब हुए, कहाँ से पढ़े, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एज पर यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने मिलियन डॉलर का लोन जो है वो दिया है बांग्लादेश को, क्यों, फ्लड रिहैबिलेशन के लिए, ठीक है, फ्लड से राहत पाने के लिए। तो कौन, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने मिलियन डॉलर का जो लोन है वो बांग्लादेश को दिया है। इसका जो आंसर है दैट इज 230 मिलियन, कितना, 230 मिलियन डॉलर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी कंट्री में रिसेंटली साइक्लोन हिट हुआ है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑस्ट्रेलिया। क्या आंसर है, ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर है। अच्छा चलिए, इसके बीच में आपको घुसने की जरूरत नहीं है कि कौन सा साइक्लोन है, कितना टाइप की होती है, बस इतना समझ लो कि रिसेंटली मतलब ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन जो है वो देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप सभी जानते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंबेडकर जयंती जो है वो हर साल कब इंडिया में ऑब्जर्व की जाती है। तो इसका आंसर है 14 अप्रैल। क्या आंसर है, 14 अप्रैल। अब 14 अप्रैल को हम लोग अंबेडकर जयंती ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, क्यों, क्योंकि टू सेलिब्रेट, टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, ठीक है। इनके जन्म उपलक्ष्य पर हम लोग 14 अप्रैल जो है वो दिन मनाते हैं। ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ऐड करनी है इसमें, वो ये कि इनकी एनिवर्सरी पे, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट की जाती है एज इक्वालिटी डे, कहाँ पे, तमिलनाडु में। क्लियर है। और डॉक्टर अम्बेडकर साहब आप सभी जानते हैं, जिसने भी जीएस की किताब पढ़ी होगी, ये हेड थे ड्राफ्टिंग कमेटी के,
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं कि कौन सी कंट्री ने डेवलप करी है हुआसोंग 18 इंट्रा कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसका आंसर है नॉर्थ कोरिया। क्या आंसर है? नॉर्थ कोरिया। और भाई ये जो आप देख रहे हो इमेज में, ये टेस्टिंग हो रही है इसकी। अगला क्वेश्चन देखो, जिस क्वेश्चन को मैं ज़्यादा टाइम नहीं देता इट मीन्स कि वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी है जिन्होंने लॉन्च करा है ऑनलाइन रिटेल सेल प्लेटफॉर्म, और उसका नाम क्या रखा उन्होंने? व्हील्स ऑन वेब। क्या लिखा है? व्हील्स ऑन वेब। ये जो ऑनलाइन मतलब पोर्टल है, रिटेल प्लेटफॉर्म जो है, सेल्स रिटेल प्लेटफॉर्म, बताइए कौन सी कंपनी ने ये लॉन्च करा है? इसका आंसर है टोयोटा। क्या आंसर है? टोयोटा कंपनी ने लॉन्च करा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा है इंपॉर्टेंट, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी सिटी में जो मीटिंग है, कौन सी G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है वो कहाँ रखी गई, वॉज हेल्ड? तो इसका जो आंसर है दैट इज हैदराबाद। कहाँ रखी गई? हैदराबाद में रखी गई। और इसमें, इस मीटिंग में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं डिफरेंट फील्ड से, लाइक हाई स्पीड मोबाइल ब्रॉडबैंड, डिजिटल इंक्लूजन, ठीक है, तो ये सारे के सारे इस मीटिंग में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पार्टी को अभी रिसेंटली स्टेटस मिला नेशनल पार्टी का? तो ये आंसर आप लोग सभी जानते हैं, हमने किया भी है, ये न्यूज़ में भी रहा है, और आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जो है वो बताओगे, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट उसका भी करना और लाइक तो ज़रूर करना। अच्छा, लाइक से मुझे कुछ नहीं मिलता भाई, लाइक करने से ये होता है कि पता लगता है कि ये वीडियो कितनी पसंद की जा रही है, बस यही होता है। ओके, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।